के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एनकाउंटर में मारा गया 1.25 लाख का इनामी बदमाश गुफरान। हत्या लूट के 13 मुकदमे थे दर्ज। घोषित, आपको बता दें कि कौशाम्बी जिले में मंगलवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में बदमाश गुफरान ढेर हो गया है। उस पर 1,25,000 का इनाम घोषित किया गया था। एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर के मुताबिक गुफरान के खिलाफ लूट, हत्या और हत्या के प्रयास के करीब 13 मामले दर्ज हैं। वो 16 मई 2023 से पुलिस रिकॉर्ड में फरार बताया जा रहा है। कल वाराणसी में योगी आदित्यनाथ एक दिन के दौरे पर आए थे। जगतपुर इंटर कॉलेज में लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी दिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया। देखिए खास रिपोर्ट। विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला बोला। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान है तो अपनी जिंदगी पर, अपनी गरीबी पर आज खून के आंसू बहाने के मजबूर है। ये जो कुछ आप देख रहे होंगे देश के अंदर वर्तमान में, एक तरफ वैश्विक मंच पर मोदी जी भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, भारत के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एड़ी चोटी लगाया हुआ है। जिन लोगों में कभी बोलचाल नहीं थी, आज वे मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अपने आप को जेडी और लोया के शिष्य बोलते थे और उनके नाम पर जिंदगी भर राजनीति किए, मशहूर यूट्यूबर जो बहुत ही कम उम्र में काफी लोकप्रियता हासिल की थी, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, इनका नाम देवराज पटेल है। ये लोगों को बहुत ही हंसाते थे, लेकिन आज इस दुनिया से ये चले गए और सबके आंखों में आंसू दे गए। आइए इस घटना के बारे में जानते हैं। दिलीबाना थाना अंतर्गत अग्रसेन धाम सिग्नल के थोड़ा से आगे में देवराज पटेल का ट्रक से एक्सीडेंट में उसका निधन हो गया है। उसके साथ में एक और दोस्त भी था, शायद जो हमें जानकारी मिली है वो रायपुर से कुछ वीडियो बनाकर आ रहा था और बाइक के साथ पीछे वो बैठा हुआ था और उसके ट्रक के सामने से उस पर कुछ हल्के से ठोकर लगी, जिससे उसको चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। ट्रक और ड्राइवर और ट्रक दोनों हमारे कब्जे में है, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार है और आगे जो भी विधि अनुसार कार्रवाई। मिनी यूट्यूबर देवराज पटेल की जब पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम से आई तो लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।